Subscribe to my channel and click on the bell icon to get notifications about new videos. Follow me on Facebook and Twitter. Thank you for watching. हे व्हाट्सअप गाइस, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आज भी आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो ला चुका हूँ जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। इस वीडियो में आपके लिए बेस्ट लॉक स्क्रीन MIUI थीम लाया हूँ, जिसे आप आसानी से MIUI 12 और 12.5 में लगा सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो। चलिए, डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको थीम स्टोर ओपन कर लेना और आपको यहाँ सर्च कर सकते हो या नीचे दिए हुए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका नाम है स्पाइडरमैन, जो कि आपको थीम स्टोर में मिल जाएगा। ये अच्छी बात है। चलिए मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ और आगे का इसके फीचर्स बताता हूँ क्या क्या चेंजेस मिलेंगे आपके फ़ोन में। सबसे पहले होम स्क्रीन में देख सकते हैं आपको एक वाइट वॉलपेपर मिलेगा जिस पर स्पाइडर का लोगो होगा और आइकन्स देख सकते हैं रेड में, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पर लॉक भी बिल्कुल चेंज हो चुका है, जिस पर स्पाइडरमैन लिखा हुआ है और टाइमिंग दे रहा है। और इसका आइकन्स भी देख सकते हैं, थोड़ा बहुत कूल आइकन्स है, थोड़ा बहुत रेड में दिए गए हैं, आपको बिल्कुल पसंद आएंगे। चलिए हम इसके स्टेटस बार देखते हैं। स्टेटस बार नॉर्मल ही है, थोड़ा बहुत ग्रे और रेड में मिक्सर में दे दिया गया है स्टेटस बार, जो कि इस थीम के साथ अच्छा लगेगा आपको। और सेटिंग में थोड़ा बहुत दिखेगा नहीं, क्योंकि आपको थीम अप्लाई करने के बाद फ़ोन को रिस्टार्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको चेंजेस दिखेंगे। चलिए फ़ोन डायलर कर दिखाते हैं। फ़ोन डायलर में आपको स्पाइडरमैन का लोगो दिखा देगा थोड़ा बहुत, और बैकग्राउंड में उसका वॉलपेपर मिलेगा। आसानी से इसको देख सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं। इसका मेन फीचर की बात करें तो इसका लॉक स्क्रीन फीचर है, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा ही अच्छा लगेगा गाइस, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा ये वॉल पसंद है इस थीम में। सबसे पहले इसको थीम को आपको मैं वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है, इस थीम को अप्लाई कर लेना है। उसके बाद देख सकते हैं आपको वॉलपेपर चेंज करना है, तो वहाँ पर एक आइकन मिलेगा और यहाँ पर आपको बहुत सारे कूल और यूनिक वॉलपेपर मिलेंगे स्पाइडरमैन के, जो कि आपके फ़ोन के साथ बहुत ही ज़्यादा सूट करेंगे और इसका क्लॉक भी देगा, जो कि बहुत ही अच्छा लगेगा आपके फ़ोन में। चलिए मैं आपको आगे का दिखाता हूँ, आपको कैसे सेलेक्ट करना, किसी पर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिसको लगाना चाहते हैं आप वॉलपेपर पे। चलिए मैं आपको एक लगा के दिखा देता हूँ, जो कि आपको ऐसे दिखेगा वॉलपेपर, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इसका क्लॉक भी देख सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। गाइस मैं आपको बताता हूँ कि इस थीम को कैसे डाउनलोड करना है, जिससे आप आसानी से इस थीम को डाउनलोड भी कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। चलिए इसको डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले अपना क्रोम ओपन कर लीजिएगा और उसमें आपको सर्च करना होगा। चलिए मैं आपको अपना क्रोम ओपन कर लेता हूँ और आगे का बताता हूँ। देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं अपने होम मोबाइल के होम स्क्रीन में और आगे का बताते हैं। सबसे पहले आपको क्रोम ओपन कर लेना है। क्रोम ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है techofalam.in। यहाँ पर देख सकते हैं मैं आपको स्क्रीन पर भी दे दूँगा आपको क्या सर्च करना है, या लिंक मैं नीचे दे दूँगा, आप सीधा वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों ये हमारा ऑफिशियली वेबसाइट है, और यहाँ पर आके आप आसानी से नए नए पोस्ट पढ़ सकते हो। यूनिक पोस्ट डालता रहता हूँ और MIUI के थीम के बारे में भी डालता रहता हूँ इस वेबसाइट पे। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको देख सकते हैं आपको स्पाइडरमैन का लेटेस्ट MIUI 12 थीम मिल जाएगा। मैं सीधा आपको ये लिंक दे दूँगा, आप यहाँ पर आके आसानी से डाउनलोड कर सकते हो बहुत आसानी से। दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन शॉट देता हूँ, पूरा डिटेल में लिखता हूँ, आप यहाँ पर आके आसानी से डाउनलोड कर सकते हो थीम को। इसको डाउनलोड करने के लिए नीचे आपको डाउनलोड नाउ का बटन मिलेगा, उस पर डाउनलोड करके क्लिक कीजिए और डाउनलोड कर लीजिएगा।